2000 का व्लॉग है और ये 2000 है अपना हारिस भाई की। हारिस भाई जो हमारे बॉडी बिल्डर भाई हैं इस्लामाबाद से, ये उनकी गाड़ी है और ये भी मैं उनकी गाड़ी में ही हूँ। अच्छा जी, गाड़ी का जरा साउंड चेक करें और गाड़ी की माशाल्लाह पिक बहुत बेहतरीन। अभी आप एग्जॉस्ट सुन रहे थे और जिस गाड़ी में बैठा हुआ था, माशाल्लाह जी ये एग्जॉस्ट है, ये देखिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दो ब्रो। के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि व्लॉग बनाने का मकसद क्या है, वो मैं आपको सारा बाद में बताता हूँ कि क्या सीन है। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है सिविक 2000 पर, सिविक 2000 का व्लॉग है और ये 2000 है अपना हारिस भाई की। हारिस भाई जो हमारे बॉडी बिल्डर भाई हैं इस्लामाबाद से, ये उनकी गाड़ी है और ये भी मैं उनकी गाड़ी में ही हूँ। और हारिस भाई आए हैं फैसल बूमर्स के अड्डे पर और मैं उनको लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, हारिस भाई को लेके आते हैं फैसल मूवर्स के अड्डे से, तो फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। उतनी देर दिया आप गाड़ी का जरा साउंड सुनो। अच्छा जी, गाड़ी का जरा साउंड चेक करें और गाड़ी की माशाल्लाह पिक बहुत बेहतरीन है। चस आ गई कि नहीं, चस कराता कि नहीं कराता। माशाल्लाह बहुत प्यारी पाइपिंग एग्जॉस्ट हारिस भाई को मैंने ही भेजा था लाहौर से लेके, और ये HKS की A+ कॉपी है और बहुत बेहतरीन एग्जॉस्ट है और पाइपिंग बहुत प्यारी की है। साउंड जो है ना वो बनाती है असल पाइपिंग, ठीक है। एग्जॉस्ट भी मायने रखता है अच्छा, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखती है पाइपिंग। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर कोई हेडर्स नहीं है, कोई ऐसा वगैरह, कोई फनकारी फुनकुरी नहीं लगाई, जस्ट एग्जॉस्ट और 2.5 की पाइपिंग है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की। और जस्ट एक हेडर से एक पाइप आ रहा है डायरेक्ट एग्जॉस्ट पर लगा हुआ है, इसी वजह से माशाल्लाह बहुत प्यारा साउंड है। और गाड़ी के अंदर D17 है, ठीक है जी। और गाड़ी की एक्सेलरेशन, गाड़ी की पिक, गाड़ी की ड्राइव बहुत जबरदस्त किस्म की है। हारिस भाई ने पागलों की तरह इस गाड़ी पे पैसे लगाए हुए हैं और जो बोल भी रहे हैं, ऑयल ओवर इंस्टॉल हैं, समझ ही गए होंगे आप गाड़ी के जंप से। बाकी गाड़ी ट्रस्ट मी जिसे कहते हैं ना, एक इंग्लिश वाइब्स देती है गाड़ी। रुक जा भाई, रुक जा। यार रोड बड़ा ख़राब है, बेसिकली आप लोगों को पता है कि ये जो बंद रोड है ना यार, इसके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, तो बेहतर यही है कि स्लो स्लो जाया जाए, कॉयल ओवर्स के साथ जाती ना हो और गाड़ी के साथ भी जाती ना हो। थोड़ा सा रोड मुझे क्लीन मिलता है ना तो मैं आप लोगों को गाड़ी का इंशाल्लाह साउंड सुनाता हूँ। मांडा मुंडा हम नहीं लगाते गाड़ी को, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता मांडा लगाना गाड़ी को। उसका मेन रीजन ये है कि यार गाड़ी सुकून से चलाई जाए तो बेहतर है। हाँ, मांडा तब लगाओ जब आपके पास रोड क्लियर हो और आपने थोड़े से एंजॉय करने हो, तब आप मांडा लगा लो।
के साथ जना वाला सीन हो जाता है। ये देखो तो सही, ये मेन रोड है, कोई हाल है। ए, 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 ए। आते ज्यादा गाड़ी डांसिंग बन जाती है। चलते हैं हारिस भाई को लेके आते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये गाड़ी है, लंघ गए जी, हम बना लिया वीडियो, चलो। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये गाड़ी है जिसका अभी आप एग्जॉस्ट सुन रहे थे और जिस गाड़ी में मैं बैठा हुआ था। माशाल्लाह जी ये एग्जॉस्ट है, ये देखें, ये मैंने भेजा हुआ। और ये HKS A+ कॉफी है, इवन के इस पे जैस्मा, ये देख रहे हैं एम्बल्ड जो उसकी प्लेट होती है वो है। फिर ये जैस्मा मफलर, ये A+ कॉफी है और ये लार्ज साइज है, ठीक है। और इसका साउंड था गाड़ी का बहुत प्यारा साउंड, जो यही एग्जॉस्ट दे रहा है और हेडर्स की वजह से। बाकी ये 96 थी, इसको टू भी लग जा खैर। बाकी 96 थी, इसको 2000 में कन्वर्ट किया है, ये किया है जी आरिस भाई ने खुद। मेरे पास एक गाड़ी आई थी बेसिकली बेरंग होने के लिए और इस छोटे मोटे और काम शाम थे। आरिस भाई का प्लान बन रहा था कि यार इसको पेंट करें कि ना करें, तो मैंने तो कहा था पेंट अभी साफ़ है, ये तो डस्ट पड़ी है इसलिए आप लोगों को थोड़ा गंदा शंदा लग रहा है। बाकी पेंट इसका साफ था, अब साफ ही है बल्कि, तो इस वजह से ना मैंने तो उन्हें रिकमेंड नहीं किया कि आप पेंट करवाओ ना, तो पेंट की कोई ज़रूरत नहीं है गाड़ी में ना। आगे फॉग लाइट्स भी इसकी लगी हुई है माशाल्लाह से, लिप लगा हुआ है और 16 इंच के रिम लगे हैं, बड़े बेहतरीन, बड़े खूबसूरत किस्म के। इंटीरियर में देखा जाए तो इंटीरियर में उन्होंने जी टिल्ट किट लगवाई है, ये देखें शिंग वो। खैर जी पार्किंग बंद की है, आरिस भाई भी आने वाली होंगे, अड्डे पे आ गए हम फैशन मूवर्स के, ठीक है जी। और गाड़ी मेरे पास आई थी ये बे पेंट होने के लिए, ठीक है, और छोटे मोटे और भी काम थे। और हारिस भी कह रहे थे जी कि गाड़ी बाहर से कलर चेंज कर दें, मैंने अभी कहा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी नज़र के मुताबिक कलर साफ़ है, जस्ट कंपाउंड पॉलिश हो या डिटेलिंग वगैरह हो तो गाड़ी नीट एंड क्लीन हो जाएगी। बाकी जो जो चीज़ें हों और पेंट करने वाली हुई वो मैं कर दूँगा। हारिस भाई को मैंने रिकमेंड किया था कि यार ये पैनल उतारो सबसे पहले तो, और ये चीज़ें शीशे शूशे जो आपने किए हैं इनको क्रोम में किया हुआ, मैं कहा इनको भी ख़त्म करो, ठीक है ना, गाड़ी को ज़रा डिसेंट लुक में लेके आओ, बड़ी प्यारी लुक में, और रिम डालो जी इसमें 15 इंच का, ठीक है, गाड़ी को करो एक डिसेंट सा डाउन, फ्रंट भी आरएस का लिप डालो और नंबर प्लेट ये चेंज करो। आरिस भाई को मैंने जो चीज़ें रिकमेंड की थी, तो ये मेरे पास गाड़ी ये थी एक हफ्ता पहले तकरीबन, तो काम की तंगी की वजह से इसका काम नहीं हो सका, टाइम ना मिलने की वजह से गाड़ियाँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत लगी हुई थी तो टाइम नहीं मिल सका इस गाड़ी का काम करने का ना। अब हारिस भाई का है कंपटीशन लाहौर में बॉडी बिल्डिंग का, तो उनको चाहिए थी गाड़ी। वो कहते कि साहब भाई एक महीना उन्होंने तकरीबन लाहौर ही रहना, तो वो कहते जी साहब भाई आप ऐसा करें कि अभी काम ना करो, ठीक है, अगर आपने गाड़ी नहीं अभी छेड़ी तो अभी ना करो, मैं ये एक महीना गुजार लूँ लाहौर में, देन जब जाऊँगा तो इंशाल्लाह आपको गाड़ी देता हुआ जाऊँगा, फिर इसका बे पेंट कर देना और जो भी इसके छोटे मोटे काम शाम होंगे इसका बे ज़रा अच्छा सा कर देना। बे अभी आप लोगों को नहीं दिखाऊँगा क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा झंडा हुआ है। इंशाल्लाह जैसे जब गाड़ी मेरे पास आएगी नेक्स्ट, तो देन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसका बे वगैरह कंप्लीट रिव्यू बना के दिखाऊंगा। हारिस भाई का अभी तो फिलहाल वेट हो रहा है, देखते हैं जी हारिस भाई कब आते हैं। मुझे लगता है कि ये बस उनकी है, लेकिन वो तो कहते हैं कि काले रंग की है। चलें वेट करते हैं और देखते हैं हारिस भाई के एक्सप्रेशन, देखते हैं कि उनको अपनी गाड़ी एक हफ्ते बाद देख के कैसा लग रहा है। बड़ी बात होती है यार कि किसी को अपनी गाड़ी दे के जाना और जिस पे आपने इतने मज़े से पैसे लगाए हो और इतने मज़े की चीज़ बनाई हो, लेकिन वो भाई है मेरा तो ये उसका लव है भाई कि मुझ पर ट्रस्ट किया और अपनी गाड़ी दे के गया। बाकी अब देखो कब तक आते हैं, मुझे लगता है कि जैसे वो बस है ब्लैक वाली, तो चलते हैं देखते हैं कि हारिस भाई हैं उसमें कि नहीं। उम्मीद तो है कि वही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हारिस भाई इस बस में लग रहे हैं और इसी बस में हारिस भाई हैं हमारे, और ये हारिस भाई मेरे ख्याल से वादू सामान अपना लेके आए हैं, एक उन फैमिली है, तो वीडियो बंद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट सीन आप लोगों ने देखा था जी बस के पास हारिस भाई आए हैं, तो फैमिली थी और हारिस भाई की नहीं थी लेकिन वो कोई और थी, लेडीज़ थी कोई और थी, तो लेकिन अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे मैं वीडियो शूट करता फिरूँ,
तो अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। सबसे पहले आपको हारिस भाई से मिलवाते हैं। ये देखें जी, ये हमारा बॉय आ गया माशाल्लाह से, इस्लामाबाद से बिल्डर बॉय। इसका माशाल्लाह से कंपटीशन है लाहौर में 22 को, 25 को और फिर 3 मार्च को बाबा जी गांव। कितने कंपटीशन है? चार कंपटीशन है और बैक टू बैक सारे आ रहे हैं। चार कंपटीशन है हमारे बॉय के, और वो बॉय की गाड़ी खड़ी है। आप लोगों को उसका एग्जॉस्ट तो पहले सुनाया दिया है, आते हुए मैंने सारा कुछ सीन भी आप लोगों को सारा उस गाड़ी का बता दिया क्या है क्या नहीं। ये हमारा बॉय आ गया इस्लामाबाद से। सची खाएंगे, ये सची लग रही है जी। वालों ने जो हमारी बजा के रख दिया सर साडा पाड़ता है, उन्होंने क्या भी सी हीटर बंद करते हैं। अच्छा, आके जेड़ा ना सर दर्द ला चढ़े हम जेड़ा ना भूख ना जे तो बिल्डर बंदे नु 5 घंटे से सी गड्डी च कैद कर दो, वह बड़ा बड़ा साहब है। जन्म बात है, जन्म बात है। बाकी हारिस के लिए सारे भाई दुआ करें कि जिस मकसद के लिए ये आया इसका ये मकसद पूरा हो जाए हमारे भाई का। और ये हमारा मेहमान है, लाहौर में है ये हमारा मेहमान। बाबा जी उका पिला रहे हो क्या? नहीं उका बाबा जी, जितने मर्जी उके, तुम पता है उके के तुम वादू शुदाई है, जितने मर्जी उके उका चाहिए। और सजी सुजी खाते हैं, देन फिर हारिस भाई उका शुका पियेंगे हमारे साथ, और फिर इंशाल्लाह व्लॉग श्लॉग बनते रहेंगे अब हारिस के साथ, क्योंकि हारिस पूरा एक महीना यहाँ पे हमारे साथ है, और एक महीना अब हारिस के साथ व्लॉग वगैरह बनाते रहने हैं। जिसने हारिस भाई से मिलना है, जो हारिस भाई के फैन है वो मिलने के लिए उनके पास आए। माशाल्लाह से इस बंदे का एक बड़ा अच्छा नेटवर्क है सोशल मीडिया पे, इन्हें टिकटॉक पे भी काफी अच्छे फॉलोवर्स किए हुए थे इसका अकाउंट। अब मैं क्या स्टोरी बताऊं, जाने दो उसको। दुखती रख पे हाथ रख दिया। 700K फॉलोवर्स मेरे, 2K एट इंस्टाग्राम, 30K एट यूट्यूब, सब कुछ बढ़ गया। हैवी हैवी। अब ये साथ लगाओ इस बंदे के 22K यानी के 22,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स, मेरे अपने अभी 10,000 हुए हैं, ठीक है। और 7 लाख टिकटॉक पे फॉलोवर्स, 3-4 लाख व्यूज बाबा जी, और मेरे अभी रिसेंटली 40,000 हुए हैं। इस बंदे ने ना, मैं अब क्या बताऊं कि बस छोड़ दो, एक चक्कर में आके ना सब कुछ ही गवा बैठा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेरे बॉय ने इंशाल्लाह दोबारा वेलकम बैक किया है, कम बैक किया है, आग लगाएंगे दोबारा इंशाल्लाह, दोबारा कम बैक हुआ है। और वो उसकी लाडो रानी खड़ी है, ठीक है, और ये बॉय है, और इंशाल्लाह कम बैक करेगा और हैवी कम बैक करेगा बाबा जी। तुम्हें पता है 1-2 महीने इनफ होते हैं इंशाल्लाह, जैसे हमने कम बैक मारा पहले से भी हैवी वाला मारेंगे। दादा क्रिएटर है भाई, दादा एक बात आती है ना, शेर शेर होता है, शेर चाहे सोया हो पापी, पुराना पापी है, चाहे सोया हो चाहे जागा हो, अभी तू सोया हुआ है, वैसे भी ज्यादा खतरनाक होता है, अभी तू सोया हुआ है, लेकिन तू जिस दिन जागेगा खत्म। ये बॉय भी हंस रहा है, इसको देखो, हाँ बॉय हैवी, ऐसे ऐसे कर दो, यूट्यूब पे आ रहे हो ब्रो। चले जी इंशाल्लाह, बाकी बातें बाद में करते हैं सजी खा के। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट व्लॉग फिर बनाएंगे हारिस के साथ और लाडो रानी के साथ। हारिस का कंपटीशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा जाके इंशाल्लाह। और ख्याल रखिएगा, वीडियो पसंद है लाहौर में या बाबा जी, जिसने आना हुआ आज कोई मसला नहीं, जिसे एक दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे लोकेशन, हारिस शेयर करेगा, और इंशाल्लाह मैं भी अपने इंस्टाग्राम पे हारिस की लोकेशन जो कंपटीशन जहाँ पे है वहाँ पे शेयर करूँगा। तो जिसने भी हारिस से मिलना है, मुझसे मिलना है, वो इंशाल्लाह वहाँ पे आए, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलेंगे, गपशप करेंगे, बातें शातें करें। हमारा बॉय क्या ऑर्डर दिया है यार? एक फुल सजी दी है और एक हाफ सजी दी है। अच्छा इधर आओ ना। हाफ सजी तो समझ में आ गई मेरी, अच्छा फुल का क्या मतलब? पूरी कुकड़ी, पूरी कुकड़ी। मैंने इनको बोला बाबा जी मेरे लिए करो एक पूरी सजी है। अच्छा भाई स्पेशल, अभी वहाँ से उठ के आया, कहते हैं भाई एक सजी जो है ना चार बंदे खा सकते, कहीं खा लोगे? मैंने कहा खा लूंगा, लेके आओ। हाँ जी भाई क्या कहते हैं? एक सजी जो है वो चार बंदों के लिए काफी होती है, चाहे जितनी भी भूख लगी हो, जितनी भी भूख लगी हो। चले जी ये आज चैलेंज हो गया, लोरियों के साथ आज चैलेंज हो गया, बिल्डर आज चैलेंज हो गया हारिस का और बॉय का, के जी ये एक सजी पूरी नहीं खा सकता। आपका कहना है कि ये पूरी नहीं खा सकता? नहीं खा सकता। मैं कह रहा हूँ मैं पूरी खा सकता हूँ। चलो अब सजी आती है तो आपको दिखाते हैं, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये पूरी जो कुकड़ी है ना, ये पूरी कुकड़ी विद राइस, विद राइस ना, हाँ विद राइस, विदाउट राइस। अच्छा नहीं, नहीं, फिर तो खा लोगे, फिर तो खा लेगा यार, फिर तो खा लेगा ब्रो, राइस खा नहीं सकता ना, फिर तो खा लेगा, फिर तो खा लेगा। यहीं पे कंपटीशन एंड कर दे। नहीं राइस के साथ मैं इसलिए परेशान था कि तू राइस के साथ नहीं हो सकता। राइस के साथ मैंने लास्ट टाइम खाई है। अच्छा
इतना बड़ा उसने वो ओटपोट पूरा दिया हमें, मेरे ख्याल में चावलों का। वो बाबा जी हमने तीन सब्जियां ली थी और हम तीन बंदे थे, मैं हैदर, माशाल्लाह नजर ना लगे, बस कर नजर ना लगे। अच्छा जी, ये बॉय की सब्जी है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि ये पूरी खाए, ठीक है, और बस नज़र बस से बचाए अल्लाह पाक इसको। बाकी देखते हैं कि अब ये जीतता है कि या वो जीतता है। मेरे थोड़े से चावल रह गए, बोतल में गया हूँ, लेकिन बॉय ने माशाल्लाह से जी पूरी माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र बस से बचाए और छाड़ के चावल भी नाल खा गया। चावल भी खा गया, चावल मैं नहीं खाने, मैं फिर भी खा गया। लड़का लड़का बाजी ले गया, फिर मानते हो कि नहीं? नहीं मानते बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दो रोज। सब्सक्राइब होना चाहिए, बाबा जी मेहनत है हम लोगों की, खून पसीना एक कर गई है। देखो इतने क्राउड के सामने जो है वीडियो बना रहे हैं, दुनिया छंकड़ा समझती है, कहती है पागल हो गया मुंडा, पागल हो गया मुंडा वीडियो बना बना के हर टाइम। हम किस तरह सैक्रिफाइस करके भाई मोबाइल हाथ में उठा के वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब किया करो। हां सब्सक्राइब किया करो, ज्यादा अंडर एस्टिमेट बॉय मेरा कुछ ज्यादा ही, जैसे कहते हैं ना वो जज्बाती हो गए। कोई नहीं, खैर करो यार सब्सक्राइब, अगर करने का दिल करता है तो कर देना, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।